प्यारे बच्चों, नौवीं कक्षा के विज्ञान के छठे चैप्टर उत्तर के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उत्तक क्या होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। उसके बाद हम पादप उत्तक और जंतु उत्तकों का वर्गीकरण देखेंगे और हम ये देखेंगे कि पादप उत्तक जो है वो कई प्रकार के होते हैं, इसी तरह से जंतु उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं। तो इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के पादप उत्तक और जंतु उत्तकों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि कोशिका क्या होती है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कोशिका के विभिन्न अंगकों की संरचना और उनके कार्यों के बारे में भी आप लोगों को बता दिया था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी कोशिका में कार्य का विभाजन नहीं होता, अर्थात कि जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रम जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन वगैरह सभी एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में हम देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न आकार की, भिन्न भिन्न रचनाओं वाली, भिन्न भिन्न ओरिजिन वाली, उत्पत्ति वाली जो है अनेक कोशिकाएं मिलती हैं। अब शरीर के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए जो है अलग अलग आकार वाली कुछ कोशिकाएं मिलकर के एक समूह बना देती है, इस तरह से, ठीक है। और ये जो समूह है, कोशिकाओं का समूह जो है, ये विशेष कार्य करता है, ठीक। और ये क्या कहलाता है, कोशिकाओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक समान रचना और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उत्तकों में जो है कोशिकाओं की रचना समान होती है, उनका कार्य समान होता है, लेकिन कई बार आकार जो है इनका अलग हो सकता है। तो यदि हम उत्तक को परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि समान या असमान आकार की कोशिकाओं का समूह जो कार्य तथा उत्पत्ति में समान हो, ऐसे कोशिकाओं का समूह जो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो आइए एक बार फिर से हम बहुकोशिकीय जीवों की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक समान रचना और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो है वो क्या बना लेती हैं, ये फिर समूह बना लेती है जो शरीर में विशेष कार्य करती है, और ये जो समूह है ये क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। फिर एक जैसे बहुत सारे उत्तक मिलकर के या एक समान कार्य करने वाले बहुत से उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं, शरीर का एक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शरीर का एक अंग बनाते हैं। और फिर बहुत सारे अंग मिलकर के जैसे यहाँ पर ये अमाश्य का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी तरह से छोटी आंत, तो बड़ी आंत तो वगैरह मिलकर के जैसे ये जो है पूरा पाचन तंत्र बना लेते हैं। तो बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अब देखिए कि आपने कई सारे अंग तंत्रों के बारे में भी पढ़ा है, जैसे ये आपको सामने दिखाई दे रहा है पाचन तंत्र है, इसी तरह से आपने उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ा है, तंत्रिका तंत्र भी पढ़ा है। तो ये कई सारे जो अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरा शरीर बनाते। तो इस पूरे डिस्कशन से आप उत्तक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उत्तक क्या है। अब उत्तक के बारे में एक खास बात मैं आपको और भी बता देता हूँ। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार के आपको उत्तक मिलेंगे और प्रत्येक प्रकार का जो उत्तक होता है वो विशेष कार्य करने में दक्ष होता है। जैसे आप यहाँ पर ये पेशीय तंत्र देख रहे हो, पेशीय तंत्र आपको पता है पेशीय उत्तकों से बना होता है, और पेशीय उत्तक जो है वो बॉडी की मूवमेंट में, बॉडी को मूवमेंट देने में, शरीर को गति प्रदान करने में दक्ष होता है, ठीक है। कि पेशी उत्तक जो है वो शरीर को गति प्रदान करने में दक्ष होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर ये संयोजी उत्तकों का फोटो देख पा रहे हैं। तो संयोजी उत्तकों का एक बार जस्ट आप ये समझ लीजिए कि कोई उत्तक होते हैं और इनके बारे में डिटेल से आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये जो है शरीर में पदार्थों का परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो है मदद करते हैं, उसी में कुशल होते हैं। और आप यहाँ पर ये तंत्रिका तंत्र देख रहे हैं,
तंत्र, तंत्रिका ऊतकों से बना होता है, और तंत्रिका ऊतक जो है ये संवेदनाओं को ग्रहण करने और संदेशों को आगे भेजने दक्ष होते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में जो अनेक प्रकार के ऊतक हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में दक्ष होते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक ऊतक क्या है जिसको मैं अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ, और बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का क्या प्रयोग है। तो ये जो दो स्लाइड में मैंने आपको बातें बताई हैं ये आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऊतकों का वर्गीकरण। अब अगर हम देखें कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो आइए सबसे पहले हम पादप ऊतकों का वर्गीकरण करते हैं कि पादप ऊतक को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है विभिज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। जैसे कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो नई कोशिकाएं पैदा करने के लिए विभाजित होते रहते हैं, तो जो खुद को विभाजित करते रहते हैं वो विभिज्य ऊतक ऊतक कहलाते हैं। विभाजन से विभिज्य प्लस ऊतक, ठीक है, विभाजन प्लस ऊतक विभिज्य ऊतक जो है ये बना है, ठीक। और कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो अपने आप को विभाजित नहीं करते, यानी वास्तव में विभिज्य ऊतक ऊतक से ही बने होते हैं, ठीक है, लेकिन ये आगे जो है विभाजित नहीं होते, ये स्थायी ऊतक कहलाते हैं। अब अगर हम विभिज्य ऊतक ऊतक की बात करें तो ये पौधे के शरीर, पादप के शरीर में जो है अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं, तो इनके शरीर में किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं उसी हिसाब से जो है ये तीन भागों में हम बांट सकते हैं। शीर्षस्थ विभिज्य ऊतक, दूसरा पार्श्व विभिज्य ऊतक और तीसरा है अंतर्विष्ट विभिज्य ऊतक। ओके, अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतकों की। अब देखिए कि स्थायी ऊतक आगे दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है संयुक्त स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतकों में जो है सभी कोशिकाएं जो है कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से एक जैसी कोशिकाएं होती है, और सरल स्थायी ऊतकों की अगर हम बात करें तो ये आगे जो है दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो पौधे को सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो पौधे की रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सरल ऊतकों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उसको सपोर्ट करने वाले यानी संभरण ऊतक और दूसरा है संरक्षित ऊतक। तो संभरण ऊतक जो है वो आगे फिर तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और संयुक्त ऊतक जो है आगे हम दो टाइप में बांट सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम देखिए कि इन चार भागों से मिलकर बना होता है, फ्लोएम में ये मुख्य रूप से चार भाग, ठीक, तो जिनको आप यहां से पढ़ सकते हैं। हम आइए पादप ऊतकों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पादप ऊतकों में विभिज्य ऊतक कौन से होते हैं कि पादप शरीर में नई कोशिकाओं को जोड़ने के लिए, नई कोशिकाओं को जोड़ने के लिए लगातार क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं। जब विभाजित होते हैं इसीलिए तो इनको विभिज्य ऊतक कहा हमने, ठीक है। और ये पौधे के अलग अलग भागों में प्रेजेंट होते हैं, कि शीर्ष भाग में भी प्रेजेंट होते हैं, पार्श्व भाग में भी प्रेजेंट होते हैं, संधि भाग में भी प्रेजेंट होते हैं। जो शीर्ष भाग में प्रेजेंट होते हैं उनको हम शीर्षस्थ विभिज्य ऊतक कहते हैं, शीर्ष जैसे यहाँ पर पौधे के शीर्ष पर और इनकी जड़ों के शीर्ष पर शीर्षस्थ होते हैं। और संधि भाग में जो जहाँ से शाखाएं फूटती है आगे, या शाखाओं से आगे जो पत्ते निकलते हैं, ठीक है, तो इन संधि भागों पर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम अंतर्विष्ट विभिज्य ऊतक कहते हैं। और जो पार्श्व भाग यानी जो तने की मोटाई बढ़ाते हैं, ये एक ही प्लेन में बढ़ते हैं, इनको हम पार्श्व विभिज्य ऊतक ऊतक कहते हैं। आइए इन तीनों का डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगली स्लाइड में। ये शीर्षस्थ विभिज्य ऊतक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये तने के शीर्ष और जड़ों के शीर्ष पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, और ये इनकी
लंबाई में जो है वृद्धि करते रहते हैं, और ये पौधे की जो रेखीय वृद्धि है, इस तरह से लीनियर जो वृद्धि है, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा पार्श्व विद्युतक, पार्श्व में जो है ये कुछ इस टाइप की कोशिकाएं इनमें होती है कि जो एक ही तल के अंदर जो है वो बढ़ती है, ठीक। तो इनकी वजह से जो तने का व्यास है यानी इसका घेरा जो है उसमें वृद्धि होती है। और अब देखिए कि ये तने में भी प्रेजेंट होते हैं, और आपने देखा कि जड़ें भी जो है वो मोटी होती जाती है, तो यानी इसकी जड़ों में भी पार्श्व विद्युतक जो है प्रेजेंट होते हैं। अब अंतर्विष्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो संधि स्थल होता है जहाँ से तने से टहनियाँ जो निकलती है, ये वाला जो पार्ट है, या टहनी से जो पत्ता निकलता है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो ऊतक प्रेजेंट होते हैं वो अंतर्विष्ट विद्युतक होते हैं, और ये इन्हीं पार्ट में जो है वृद्धि करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युतक ऊतकों की विशेषताओं की। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो काफी क्रियाशील होती है, और इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो काफी अधिक होता है मात्रा में और काफी घना होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है और केंद्रक इसमें स्पष्ट होता है। तो देखिए पहले पॉइंट में हमने काफी बात बता दी, तो इनको ध्यान से आपने पढ़ना है कि काफी क्रियाशील कोशिकाएं होती हैं और कोशिका द्रव्य अधिक और घना होता है, कोशिका भित्ति पतली होती है और स्पष्ट केंद्रक होती है। दूसरा पॉइंट जो है कि ये जो घना कोशिका द्रव्य जो है उनके बीच में बिल्कुल छोटी छोटी रिक्तिकाएं यहाँ पर होती है, ठीक है, या तो छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है या फिर रिक्तिकाएं कई बार नहीं भी होती, रिक्तिकाएं रहित तो भी ये उत्तक आपको मिलेंगे। और इन उत्तकों के आकार की अगर हम बात करें तो ये आपको अलग अलग आकार के मिलेंगे, गोल, अंडाकार, बहुभुजी, आयताकार, ठीक है, इस टाइप के आकार के आपको ये उत्तक मिल सकते हैं। और सामान्य रूप से दो कोशिकाओं के बीच में, जैसे एक कोशिका हमने ड्रा कर रखी दूसरी ये, तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच का जो इस जगह है अंतरकोशीय अवकाश, इसको हम बोलते हैं, ये काफी कम या नेग्लेजिबल, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पादप उत्तकों में विद्युतक और इसके तीन प्रकार पढ़ लिए हैं, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम सरल उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो डिफरेंट प्रकार हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक, शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।